वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जरा वापरा सी। हमने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया आपने, इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। पंजाब चौंक गैंगस्टरवाद दा सफाया करन लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दा गठन कीता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दियां हदायतां ते AGTF ने सख्ती दिखांदिया हुण तक पंजाब अंदर अपराधिक मामलियां नूं लै के 1100 तों वध गिरफ्तारियां कीतियां, जबकि 1165 नजायज हथियार अते अपराध लई वरते 270 वाहन बरामद कीते ने। पंजाब सरकार दा मुख मकसद अपराध ते रोक लगा के सूबे दे लोकां नूं इक सुखावा माहौल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो कहा ओ कर दिखाया, पंजाब चों हो रिहा अपराध दा सफाया। बागो कैंप थाने दे एरिया दे विच जिहड़ी हैगी इक अनआइडेंटिफाइड जिहड़ी गोली मिली सी, असी ओहदे विच इमीडिएटली साडे SP साहब जिहदे निर्देशन हेठ ACP साहब अते SHO बागो साहब ने इमीडिएटली जिहड़े हैगी अनआइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड गोली हैगी जिहड़ी डेड अवस्था दे सी उन्हां दी जिहड़ी शिनाख्त करन दा जिहड़ा हैगा पूरा उपराला कीता। एंड इमीडिएटली जदों सारे चीज साडे ध्यान च आई तो इमीडिएटली एक FIR नंबर 92 PS बागो साहब 103 BNS च असीं रजिस्टर कीती। एंड ओहदे च असी साडी टीम ने बहुत ही वधिया काम कीता अंडर द गाइडेंस ऑफ माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर साहब ने पूरे एहदे विच सानूं पर्सनली निर्देश दिते सी। एंड उन्होंने सर के गाइडेंस के हेठ साडी टीमां ने जिहड़े हैगे 24 घंटे के विच जिहड़े 2 क्यूस्ट हैगे सूरज कुमार गौरव कुमार आ जिहड़े हैगे राउंड अप कर लए हैगे और बाद चो इन्हों की जी जी गिरफ्तारी है वो कर ली। तो एज ऑफ नाउ जो सूरज कुमार और गौरव है वो दोनों बागो कैंप एरिया के रहने वाले, एज ऑफ नाउ असी बंदे अरेस्ट किए हैं। एंड असी इन्हों का जरा फर्दर कुछ भी वास्ते जो रिमांड असं ले रहे थे, बाकी ये जो भी चीज सामने आएगी असी जो तफ्तीश दौरान है असी उन्होंने देखो जी सारा जरा है तफ्तीश का सब्जेक्ट है कि किस तरीके मेडिकल रिपोर्ट्स के बिहाफ से है कोई इंजरी है इंजरीज है वो मेडिकल रिपोर्ट्स जी इन्हों की जी कुछ भी है उस नतीजे देखो स्पेकुलेशंस तुसी अलग-अलग लोग की अलग-अलग स्पेकुलेशन ला रहे हैं, बट विदाउट वेरीफाइंग किसी ने नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। एमपुरी देवनगर तो जी नहीं मारे कि तसे सिस्टम है। देखो आ सारी चीजें मैं तुम पहला भी कह चुके हैं कि मैं दवाने तक थी इस चीज में उसी पूरा चेक करके कस्टोडियन जरिए है लेकिन इंटरोगेशन लेके ही किसी इस चीज पर इधर नहीं दर्शन ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
फिर उसके अगो असी दोनों अक्यूज आइडेंटीफाई किया तो असी राउंड अप भी अच कर लिया ठीक है जी। फिलहाल जो थोड़ी स्पैकुलेशन हैगी है फ्रेंड्स है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई ना कोई रीजन होगा बट असी हूँ ही राउंड अप किया असी हूँ जाके इंटरोगेशन करा कुछ भी होगा असं मीडिया नाल शेयर करा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਲਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੁੱਕਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।